नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज आपके लिए YouTube पर अपना एक नया चैनल लॉन्च कर रहा हूं और इस चैनल का नाम है इंग्लिश मास्टर बाय सुनील द्विवेदी। जैसा कि हम अपने बच्चों से बात करते आ रहे हैं कि उनको वनडे कॉम्पिटिशन में किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक ग्रामर और एक वोकैबुलरी। जैसा कि हम अपने बच्चों को हमेशा अपने क्लासेस में बताते रहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वोकैबुलरी होती है, ग्रामर सेकेंडरी है, क्योंकि वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड्स और ग्रामर का मतलब होता है करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। जब तक आपको वर्ड्स नहीं आएंगे, जब तक आपका वर्ड पावर अच्छा नहीं होगा, तब तक आपकी ग्रामर अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके वनडे कॉम्पिटिशन में कुछ भी इंग्लिश में पूछा जाता है उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन वोकैबुलरीज होता है, वर्ड्स होता है। और बच्चों में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि हाउ टू लर्न वर्ड्स, हाउ टू लर्न वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को इम्प्रूव कैसे करें, तैयार कैसे करें। और हमने सुना है कि बच्चे डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाते रहते हैं, कुछ बच्चे रट्टा मारते हैं, कुछ बच्चे 10 वर्ड्स लिख करके अपने टेबल पर रख लेते हैं, शीशे पर रख लेते हैं, उनको रटते रहते हैं। लेकिन होता क्या रटने से कि आज आपने कुछ वर्ड्स रटे, कल आप जब दूसरे वर्ड्स पढ़ते हो तो आज के वर्ड्स भूल जाते हो। तो हम आपको बिल्कुल भी किसी भी वर्ड को रटने के लिए नहीं कहेंगे, न याद करने के लिए कहेंगे। हम आपको जो वर्ड्स सिखाएंगे उसमें एक बिल्कुल नई अप्रोच है, वो साइंटिफिक अप्रोच है और इस अप्रोच का नाम है एटमोलॉजी। बच्चों, हम बात करेंगे किस तरह से वर्ड्स को एटमोलॉजी से पढ़ा जाता है। एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द बनते कैसे हैं, क्योंकि दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। वर्ड्स लर्न करने का वैज्ञानिक तरीका है एटमोलॉजी, जिसमें आपको एक रूट वर्ड बताया जाएगा, उस रूट वर्ड में कुछ पहले जोड़ा जाता है जो प्रीफिक्स कहलाता है, और उसमें कुछ लास्ट में जोड़ा जाता है जो सफिक्स कहलाता है। एक वर्ड में एक प्रीफिक्स जोड़ करके एक और नया वर्ड बन जाता है, और सफिक्स जोड़ करके कुछ और नए वर्ड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को ऐड करते हुए हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे और बहुत आसानी से ये वर्ड्स आपको याद होते रहेंगे। तो इस तरह से एटमोलॉजी पर आधारित हमने आपके लिए तमाम सारी सीरीज तैयार करी हैं, और ये वर्ड्स आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, दे आर द हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स। और ये वर्ड्स पढ़ने से आपके अंदर जो वोकैबुलरी का डर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपका इंग्लिश बहुत इंप्रूव्ड हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज पहले टॉपिक की, और आज हम आपके लिए वोकैबुलरी पार्ट वन शुरू कर रहे हैं, और इस पार्ट का नाम है पर्सनालिटी टाइप्स। हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है, हमारा व्यक्तित्व कैसा होता है, हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व। तो किस किस तरह की पर्सनालिटी होती है? दोस्तों, पर्सनालिटी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी, एक निगेटिव पर्सनालिटी। अगर आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी है, आप पॉजिटिव सोचते हो, तो बहुत ही कम एफर्ट से आपको बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है। आपकी निगेटिव पर्सनालिटी, आप निगेटिव सोचते हो तो एफर्ट आप ज्यादा करते रहते हो लेकिन आपका रिजल्ट निगेटिव रहता है। तो हम आपको वोकैब के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव होनी चाहिए, हमें किस तरह की पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए, हम आपको वो भी बताते रहेंगे, वो भी सिखाते रहते हैं। तो आइए आपका फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पार्ट, पर्सनालिटी टाइप्स। तो आपका फर्स्ट पार्ट वोकैबुलरी का पर्सनालिटी टाइप्स, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारी किस किस तरह की पर्सनालिटी होती है, हमारी व्यक्तित्व कैसा होता है। तो आइए देखते हैं पहला रूट। तो आज का फर्स्ट रूट ईगो। ईगो का मतलब है सेल्फ, स्वयं, ग्रीक रूट है। और हमने आपसे कहा था कि ईगो सेल्फ है, आईएसटी पर्सन, तो मीनिंग हो जाता है ईगो सेल्फ, आईएसटी पर्सन, सेल्फिश पर्सन। ईगो एक रूट है, ग्रीक रूट है, मतलब हो गया सेल्फ, आईएसटी पर्सन, सेल्फिश पर्सन। अगला वर्ड ईगोटिस्ट, ईगो सेल्फ, टी फॉर बना लो टॉक और आईएसटी हो जाएगा पर्सन, तो मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट सेल्फ, अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट सेल्फ एकम्प्लिसमेंट, वह इंसान जो अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करता है, अपने बारे में बात करता है, वो ईगोटिस कहलाता है, घमंडी कहलाता है। अगला वर्ड ईगो सेंट्रिक, रूट ईगो सेल्फ। अब देखिए ईगो हर वर्ड में आया हुआ है, पूरी स्लाइड में देखिएगा, जो भी वर्ड है वहां पर ईगो लगा है, तो आप समझ जाइएगा हर वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ से संबंधित है। तो ईगो सेल्फ, सेंट्रम, सेंटर एक रूट है, मतलब होता है केंद्र, और आईसी से एडजेक्टिव, तो मीनिंग हो जाता है वन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, वह इंसान जो सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आप से मतलब रखता है,
वो इंसान ईगोसेंट्रिक कहलाते हैं। ईगोसेंट्रिक वो लोग होते हैं जिन्हें एक कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भूखे हो, प्यासे हो, कैसे हो, दुखी हो, कोई मतलब नहीं, वो अपने आप से मस्त रहते हैं, ऐसे लोग ईगोसेंट्रिक कहलाते हैं। ईगोमैनिया, ईगो सेल्फ, और मैनिया का मतलब मैडनेस, मैडनेस एक पागलपन, एक बीमारी है मैनिया। तो ईगो सेल्फ मैनिया मैडनेस मीनिंग हो जाता है मैडनेस फॉर सेल्फ, खुद के लिए पागलपन, अपने लिए पागलपन, एक ऐसा पागलपन कि आप जिसमें ये सोचते हो कि दुनिया की हर चीज हमें मिल जाए, वो पागलपन ईगो मैनिया कहलाता है। ईगो मैनियाक, ईगो सेल्फ मैनिया मैडनेस, और एसी लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, यानी कि वो पर्सन बन जाता है जिसको ईगो मैनिया रूपी बीमारी लगी है, वो ईगो मैनिया कहलाता है। मतलब हो जाता है वन हु इज मैड फॉर वन सेल्फ, वह इंसान जो खुद के लिए पागल रहता है ईगो मैनिया कहलाता है। अगला वर्ड अल्टर ईगो, एक और नई रूट, अल्टर या अल्ट्रू अदर कहलाता है, ईगो सेल्फ कहलाता है। तो अल्टर ईगो हो जाता है वंस अदर सेल्फ, हमारा कोई हमशक्ल, हमारा कोई दूसरा अल्टर ईगो कहलाता है। जब हम सुबह शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो चेहरा दिखता है वो हमारा अल्टर ईगो कहलाता है, हमारा अदर सेल्फ कहलाता है या सेम कहलाता है। अगला वर्ड और अगला रूट अल्टर या अल्ट्रू मतलब होता है अदर या चेंज। अब देखिए पूरी स्लाइड में हर वर्ड में कहीं ना कहीं अल्ट्रू या अल्टर आया है, तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं अदर या चेंज से संबंधित है। तो पहला वर्ड अल्ट्रिस्ट, अल्टर अदर, आई एस टी पर्सन हो जाता है, तो मीनिंग हो जाता है वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, वह इंसान जो दूसरों की भलाई में रुचि रखता है वो अल्ट्रिस्ट कहलाता है, परोपकारी कहलाता है। अल्ट्रिस्ट का मतलब फिलंथ्रोपिस्ट भी हो सकता है। अल्ट्रिस्ट नाउन है और अल्ट्रिस्टिक एडजेक्टिव बन जाता है। अल्ट्रू अदर आई सी एडजेक्टिव, तो मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू वन हु वर्क फॉर अदर्स, यानी कि अल्ट्रिस्ट से संबंधित कोई काम अल्ट्रिस्टिक कहलाते हैं। अल्ट्रुइज्म नाउन बना दिया गया। अब देखिए ये कोई अलग वर्ड्स नहीं है, बस क्या सीखना आपको, अल्ट्रिस्ट नाउन है, अल्ट्रिस्टिक एडजेक्टिव है, और अल्ट्रुइज्म फिर से नाउन बन गया, तो होता क्या अल्ट्रू अदर है और आईएसएम नाउन है, और इसका मतलब हो जाता है एक सिद्धांत बन जाता है, एक बिलीफ बन जाता है, तो मीनिंग हो जाता है बिलीफ इन अनादर्स वेलफेयर, दूसरों की भलाई में भरोसा, दूसरों के कामों में विश्वास, अल्ट्रुइज्म कहलाता है, परोपकारवाद कहलाता है। अल्टरनेट, अल्टर अदर, और एटी से वर्ब बन जाता है, तो मीनिंग हो जाता है टू टेक अदर, दूसरा लेना, या टेक वन स्किप वन, ये लेना एक छोड़ देना, अल्टरनेट करना होता है, या अल्टरनेट मतलब होता है टू चेंज, बदलना। अल्टरनेट वर्ब है, टी से वर्ब होता है, और टी आई वी लगाने से या आई वी लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, तो अल्टर अदर आई वी एडजेक्टिव मतलब हो जाता है अल्टरनेटिव या अ च्वाइस, विकल्प अल्टरनेटिव कहलाता है। और याद रखिएगा टी वर्ब आई वी एडजेक्टिव और टी आई ओ एन लगाने से नाउन बन जाता है, तो अल्टरनेट का नाउन अल्टरनेशन, अल्टर अदर और आई ओ एन से नाउन, तो मीनिंग हो जाता है अ चेंज, अ बदलाव। तो देखिए ये आपके लिए कोई नए वर्ड्स नहीं है, बस क्या सीखना है आपको कि अल्टरनेट वर्ब है, अल्टरनेटिव एडजेक्टिव है, और अल्टरनेशन नाउन है। अगला वर्ड एक और नई रूट, और याद रखिएगा जो रूट हमारे हैं वो ग्रीक या लैटिन के हैं। तो अगला रूट आपका वर्टो, और वर्टो का मतलब होता है टर्न या बदलना। तो पहला वर्ड इंट्रोवर्ट कैसे बनाया गया, अब देखिए ये वर्ड जो है हमारी पर्सनालिटी है, हम तीन तरह के लोग होते हैं, हम में से कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और कुछ एम्बिवर्ट होते हैं। अब देखिए इंट्रोवर्ट कौन होता है, कि इंट्रो मींस इनसाइट, याद कैसे करोगे, इन मींस इन होता है, तो इंट्रो इनसाइट या इनवर्ड, और वर्टो मींस टर्न, तो मीनिंग हो जाता है वन हु टर्न्स थॉट्स इनवर्ड, वह इंसान जो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को अपने अंदर रखता है वो इंट्रोवर्ट कहलाता है या अंतर्मुखी कहलाता है। एक्सट्रोवर्ट, एक्स मींस आउट होता है, एक्सट्रो आउटवर्ड या आउटसाइड, वर्ड टर्न, तो मीनिंग हो जाता है वन हु टर्न्स थॉट्स आउटवर्ड, जो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज आउटवर्ड करता रहता है, लोगों से शेयर करता रहता है, वो एक्सट्रोवर्ट कहलाता है, बहिर्मुखी कहलाता है। एम्बिवर्ट, एम्बिबोथ मतलब दोनों, वर्ड मींस टर्न बदलना, तो वन हु टर्न्स थॉट्स बोथ, जो अपने थॉट्स को दोनों तरफ कभी इनवर्ड कभी आउटवर्ड, कभी बताता है कभी नहीं बताता है, वो एम्बिवर्ट कहलाता है। तो यानी कि एम्बिवर्ट होता है उभयमुखी, यानी कि जो दोनों है, समटाइम इंट्रोवर्ट समटाइम एक्सट्रोवर्ट, वो एम्बिवर्ट कहलाता है, उभयमुखी कहलाता है। अब देखिए यहां पर एक नया रूट आपके पास एम्बी है, एम्बी मींस बोथ। अब एटिमोलॉजी से पढ़ने का ये फायदा होता है कि जहां पर भी एम्बिवर्ट आ जाए आप समझिएगा उसका मतलब बोथ है, दोनों है। और आपको पता है आपके एग्जाम में जितने भी वर्ड्स पूछे जाते हैं उस सब के सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें विकल्प रहता है। तो एम्बी से अब एक वर्ड होता है एम्बी डेक्स्ट्रस। अब सपोज आपने ये वर्ड कभी नहीं पढ़ा,
एम्बिडेक्स्ट्रस। लेकिन अगर आपने इतना याद रखा कि एमबी का मतलब बोथ होता है तो आप उस वर्ड का मीनिंग फाइंड कर लेंगे। फिलहाल एमबी मिस बोथ और डेक्स्टर मिस राइट हैंड होता है, तो एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब हो जाता है बोथ राइट हैंड्स, वह इंसान जिसके दोनों हाथ राइट हैंड होते हैं, या वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली स्किलफुल्ली एम्बिडेक्स्ट्रस कहलाता है। जैसा कि आपने थ्री इडियट्स मूवी में जो डायरेक्टर देखा है वो एम्बिडेक्स्ट्रस है। अगला वर्ड एंथ्रोपॉज, एक और नई रूट एंथ्रोपॉज। एंथ्रोपॉज का मतलब होता है मैनकाइंड, मतलब मानवता। पहला वर्ड एंथ्रोपोलॉजी, अब रूट एंथ्रोपॉज ग्रीक रूट है, मतलब हो जाता है मैनकाइंड, और लॉजी या लॉगोस का मतलब होता है साइंस। तो क्या मीनिंग हो जाता है, साइंस ऑफ मैनकाइंड या स्टडी ऑफ मैनकाइंड या स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट या मैनकाइंड, ह्यूमन डेवलपमेंट या मैनकाइंड का अध्ययन, विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, और ये नाउन है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर्सन बन जाता है जो इस एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ता है। कैसे बनाया गया, एंथ्रोपॉस मीन्स मैनकाइंड, लोगोसियोलॉजी साइंस या स्टडी, और आईएसटी से पर्सन बन जाता है। तो मीनिंग हो जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का वन हु स्टडीज ह्यूमन डेवलपमेंट या वन हु स्टडीज मैनकाइंड या वन हु स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है, मानव प्रेमी कहलाता है। अगला वर्ड मिज़ेंथ्रोपी, यहां पर एक नई प्रीफिक्स है मिजे, और मिजे का मतलब होता है हेट। देखिए ये तो हमें पता हो गया एंथ्रोपॉस मीन्स मैनकाइंड होता है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ रूट और हर वर्ड में कहीं ना कहीं एंथ्रोपॉस आया हुआ है पूरी स्लाइड में। तो मिस हेट एंथ्रोपी मैनकाइंड, तो मीनिंग हो जाता है हेटिंग मैनकाइंड, हेटिंग पीपल, लोगों से घृणा, मानवता से घृणा, मिज़ेंथ्रोपी कहलाता है। ये क्वालिटी है, एक एक्शन है, और इस क्वालिटी को रखने वाला, इस एक्शन को करने वाला व्यक्ति मिज़ेंथ्रोपिस्ट कहलाता है। तो मिज़ हेट एंथ्रोपी मैनकाइंड आईएसटी पर्सन, तो मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड या वन हु हेट्स पीपल, जो मैनकाइंड से, लोगों से घृणा करता है, मिज़ेंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और अगला वर्ड मिज़ेंथ्रोपिक, याद रखिएगा अगर कहीं पर आईसी आ जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, यानी मिज़ेंथ्रोपी से संबंधित कोई काम मिज़ेंथ्रोपी कहलाता है। तो कैसे बनाएंगे, मिज़ेंहेट एंथ्रोपॉस मैनकाइंड और आईसी एडजेक्टिव, तो मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू हेटिंग मैनकाइंड। अगर कोई ऐसा काम करते हैं आप जो हमारी समाज के लिए बहुत घृणित है, ऐसा काम मिज़ेंथ्रोपी कहलाता है। तो याद रखिएगा आपको वर्ड रटने नहीं है, और ये भी नहीं समझना कि ये कोई अलग अलग वर्ड्स हैं, ये सब के सब एक ही तरह से वर्ड्स हैं, बस थोड़ा सा इनका जो चेंज होता है वो प्रीफिक्स या सफिक्स बदलता है कि मिज़ेंथ्रोपी नाउन है, मिज़ेंथ्रोपिस्ट पर्सन बन जाता है, ये भी नाउन है, और ये एडजेक्टिव बन जाता है। अगला रूट, और देखिए अगला वर्ड फिलैंथ्रोपी। अब यहां पर देखिए फिल लव है, एंथ्रोपॉस मैनकाइंड, तो मीनिंग हो जाता है लविंग मैनकाइंड। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था पीछे मिज़ेंथ्रोपी हेटिंग मैनकाइंड, उसका अपोजिट हो जाएगा फिलैंथ्रोपी लविंग मैनकाइंड। फिलैंथ्रोपिस्ट अब ये पर्सन बन जाता है, फिले लव एंथ्रोपॉस मैनकाइंड, तो मीनिंग हो जाता है वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी वह इंसान जो फिलैंथ्रोपी के काम करता है वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और जब फिलैंथ्रोपिस्ट इज द अपोजिट ऑफ मिज़ेंथ्रोपिस्ट, और पीछे हमने पढ़ा था मिज़ेंथ्रोपिक, उसका अपोजिट फिलैंथ्रोपिक हो जाएगा, फिले लव एंथ्रोपॉस मैनकाइंड आईसी एडजेक्टिव, तो मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू लविंग मैनकाइंड, मानवता से प्यार से संबंधित कोई काम फिलैंथ्रोपी कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा ये जो भी वर्ड्स आप पढ़ते हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये एज ए एंटोनिम से भी पूछे जाते हैं, एज ए सिनोनिम से भी पूछे जाते हैं, और एज ए वन वर्ड भी पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर आपने पढ़ा फिलैंथ्रोपिक अपोजिट मिज़ेंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिस्ट अपोजिट मिज़ेंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपी अपोजिट मिज़ेंथ्रोपी। आइए अगला वर्ड और अगला रूट, नेक्स्ट रूट आपका है गाइनी या गाइनको। आपको पता है कि हमारा रूट है ये ग्रीक रूट है, जिसका मतलब होता है विमेन, स्त्री या महिला। तो पहला वर्ड गायनकोलॉजी, गायनी या गायनको विमेन होता है, लॉजी लॉगोस साइंस होता है या स्टडी होता है, तो मीनिंग हो जाता है स्टडी ऑफ विमेन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब होता है डिजीज, स्टडी ऑफ विमेन डिजीजेस या महिलाओं के रोगों का विज्ञान गायनकोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ विमेन या विमेन डिजीजेस। और जो गायनकोलॉजी पढ़ता है वो इस साइंस को जो पढ़ने वाला पर्सन गायनकोलॉजिस्ट कहलाता है। तो गायनी विमेन लॉजी साइंस आईएसटी पर्सन, तो मीनिंग हो जाता है वन हु स्टडीज विमेन एलिमेंट्स, वन हु स्टडीज विमेन डिजीजेज या वन हु ट्रीट्स विमेन डिजीजेज, जो औरत के रोगों का अध्ययन करता है, उसका इलाज करता है, वो गायनकोलॉजिस्ट कहलाता है या स्त्री रोग विशेषज्ञ कहलाता है। यानी गायनकोलॉजी साइंस है और साइंस को पढ़ने वाला साइंटिस्ट या पर्सन गायनकोलॉजिस्ट कहलाता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। अगला वर्ड पॉलीगाइनी। अब देखिए गाइनी तो हमें याद हो चुका है, पूरी स्लाइड में दिया गया, मतलब होता है विमेन।
अब यहां पर एक नई प्रिफिक्स क्या बदली है, पॉली। तो याद रखिएगा, जहां पर पॉली वर्ड आता है उसका मतलब मैनी होता है, जहां पर बाई वर्ड आएगा उसका मतलब टू होता है, और जहां पर मोनो वर्ड आता है उसका मतलब वन होता है। ये आपकी प्रिफिक्सेज हैं, और एक बार अगर आपने कोई एक प्रिफिक्स पढ़ ली तो आगे सैकड़ों वर्ड्स में काम करती रहती है। तो पॉली मैनी, गैनी विमेन, तो मीनिंग हो जाता है प्लुरलिटी ऑफ विमेन्स या प्लुरलिटी ऑफ वाइव्स या मैनी वाइव्स या मैनी विमेन, कई स्त्रियां कई पत्नियां, पॉलीगैनी। और पॉलीगैनी से पॉलीगैनिस्ट बन जाता है, ये पर्सन बन जाता है, यानी जो पॉलीगैनी को फॉलो करता है पॉलीगैनिस्ट कहलाएगा, कि पॉलीमैनी, गैनी विमेन और आईएसटी पर्सन। तो मीनिंग हो जाता है वन हु हैज मैनी विमेन मैनी वाइव्स, कई औरतें या कई स्त्रियां रखने वाला व्यक्ति पॉलीगैनिस्ट कहलाता है। अगला वर्ड, तो आज आपका अगला रूट है गैमस। गैमस, गैमी का मतलब होता है मैरिज। पहला वर्ड मोनोगैमी, मैंने आपसे कहा था ना कि मोनो वन होता है, बाई टू होता है और पॉलीमैनी होता है। तो मोनो वन गैमी मैरिज, तो मीनिंग हो गया वन मैरिज, एक विवाह, सिंगल मैरिज। मोनोगैमिस्ट, और आपसे हमने कहा था ना कि आईएसटी लगाने से पर्सन बन जाता है, तो मोनोगैमिस्ट, मोनो वन गैमी मैरिज, आईएसटी पर्सन, तो मीनिंग हो जाता है वन हू डस वन मैरिज। वह इंसान जो एक शादी करता है वो मोनोगैमस कहलाता है। और अगला मोनोगैमस, ये क्या किया, ओयूएस लगाने से एडजेक्टिव बन गया, तो मोनो वन गैमी मैरिज और ओयूएस एडजेक्टिव हो जाता है, तो मीनिंग हो जाता है सिस्टम ऑफ वन मैरिज या रिलेटेड टू वन मैरिज, एक विवाह से संबंधित कोई पद्धति मोनोगैमस कहलाती है। बाई गैमी, बाई टू गैमस मैरिज, तो मीनिंग हो जाएगा टू मैरिजेस, दो विवाह। बाइकेमिस्ट यानी बाइकेमी को फॉलो करने वाला इंसान, बाइकेमिस्ट बाय टू कैमी मैरिज आईएसटी पर्सन, तो मीनिंग हो जाता है वन हु डज टू मैरिजेस, जो दो शादियां करता है बाइकेमिस्ट कहलाता है। अगला वर्ड बाइकेमस, आपको क्या सिखाया कि ओयूएस लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, और इसका मतलब एक ये कस्टम है या सिस्टम है। तो बाई मिस टू गैमी मिस मैरिज, कस्टम ऑफ टू मैरिजेस या सिस्टम ऑफ टू मैरिजेस, बाइकेमस कहलाता है। पॉलीगैमी, पॉलीमैनी गैमस मैरिज, तो क्या हो जाता है पॉलीमैनी गैमी मैरिज, मीनिंग हो जाता है मैनी मैरिजेस, कई विवाह, पॉलीगैमी कहलाता है। पॉलीगैमिस्ट इंसान बन जाता है, पर्सन बन जाता है, पॉलीमैनी गैमस मैरिज आईएसटी पर्सन, तो मीनिंग हो जाता है वन हु डस मैनी मैरिजेस, वह इंसान जो कई शादियां करता है वो पॉलीगैमिस कहलाता है। पॉलीगैमस, पॉलीमैनी गैमी मैरिज, और आपको पता है ओयूएस एडजेक्टिव बन जाता है, तो कस्टम ऑफ मैनी मैरिजेस या रिलेटेड टू मैनी मैरिजेस या सिस्टम ऑफ मैनी मैरिजेस, पॉलीगैमस कहलाता है। अगला वर्ड मिजोगैमी, पीछे मैं आपको पढ़ाया था कि मिजे हेट होता है और गैमी मैरिज, तो मीनिंग हो गया हेटिंग मैरिज, शादी से घृणा, और आईएसटी से पर्सन बन जाता है, नाउन बन जाता है। तो मिजोगैमी से मिजोगैमिस्ट कैसे बन जाता है, मिजे हेट गैमी मैरिज आईएसटी पर्सन, मीनिंग हो जाता है वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से घृणा करता है वो मेजोगैमिस कहलाता है। फिलोगैमी, फिले लव गैमी मैरिज, तो क्या हो जाता है लविंग मैरिज, शादी से प्यार, फिलोगैमी कहलाता है। और फिलोगैमी से फिलोगैमिस्ट, फिले लव गैमी मैरिज, तो मीनिंग हो जाता है वन हु लव्स मैनी मैरिजेस, जो कई शादियां से प्यार करता है, जो कई शादियां करता है फिलोगैमिस कहलाता है। तो देखिए किस तरह से आज आपने अपना वोकैबुलरी का पार्ट वन पढ़ा, और देखिए हमने आपको आज कुछ रूट्स पढ़ाए हैं, रूट वर्ड, और आपको बताया कि हमारे जो रूट हैं वो ग्रीक या लैटिन से लिए जाते हैं, और उस रूट को थोड़ा सा फोकस करते हुए उसमें कौन सा प्रीफिक्स लगा हुआ उसको देखते हुए, कौन सा सफिक्स लगा हुआ इसको देखते हुए आप बहुत आसानी से वर्ड्स पढ़ सकते हैं। और ये वो तरीका है कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो भी आपको लगभग सारे वर्ड्स तैयार हो जाएंगे, आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। और ये वो वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत आते रहते हैं, आपके एग्जामिनर्स के लिए फेवरेट वर्ड्स हैं, तो उम्मीद है आपको हर वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से हमारे और अगले वीडियो आते रहेंगे, और हमारा हर वीडियो एटिमोलॉजिकल अप्रोच पर आधारित होगा। तो आपका अगला वर्ड, जो अगला वीडियो हम आपको लेके आ रहेंगे, उस वीडियो का नाम है साइट, जिसमें हम आपको कुछ साइट के वर्ड सिखाएंगे। आज के वीडियो के लिए आपको लाइक करते रहिएगा, हमारे लिए बेल बजाते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।